हम हमारे वीडियोस के माध्यम से आप सभी को शास्त्रों और पुराणों में उल्लिखित बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं कि जिनमें कई बार कुछ पौराणिक कथाएं भी सम्मिलित होती है। हमारे ऐसे कई सारे वीडियोस हैं कि जिनमें श्री भगवान की विविध कथाओं का वर्णन किया गया हो। लेकिन दोस्तों, कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर हम ये सब क्यों सुने, इन कथाओं को सुनकर क्या लाभ होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि कलयुग में कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के दो सबसे प्रभावी और अत्यंत सरल साधन नाम जप और कथा श्रवण है। इसीलिए जितनी भी कथा के कानों से होते हुए आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगी, उतने ही कलयुग के मायाजाल आपसे दूर रहेगी और इतना ही नहीं, आप हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, अब इसका क्या प्रमाण? तो फिर आइए इसके प्रमाण को भी देख लेते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेखित है, यदुवंश नरः क्षुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति, जिसका की अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण नामक नराकृति परम ब्रह्म स्वरूप जहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे यदुवंश और श्री कृष्ण के कथा प्रसंग को सुनकर मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार विष्णु पुराण में भी श्री कृष्ण की कथा सुनने के लाभ दर्शाए गए हैं। और दोस्तों, अगर इसके अलावा आप ये भी जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अलावा अन्य किन पुराणों में श्री कृष्ण की महिमा दर्शाई गई है, तो इस विषय पर एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।